मेरा सपना है जी सर, और मैं यहाँ जो बहने बैठी है उनको भी बताना चाहता हूँ, मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में आप जैसे परिवार की जो माताएं बहने हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर, यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहने हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ सर? हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई जी सर। अच्छा आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए हमारे देश में आजकल शादी ब्याह होते हैं तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया जी सर, तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं जी सर, और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहने उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी जी सर, आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए जी सर, तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा जी सर। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहने? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें जी सर, तो आप जैसे लोगों को बुलाएं और वो परोसना का काम संभाले जी सर।